हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब हब। माय नेम इज़ विशाल कुमार एंड आज हम बात करेंगे कि RRB मेंस में हम हिंदी अटेम्प्ट करें या इंग्लिश, बिकॉज ये बहुतों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। आई विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो RRB मेंस के पैटर्न की बात करें तो वी हैव 200 क्वेश्चंस विच आर ऑफ 200 मार्क्स एंड टोटल टाइम हमारे पास 2 आवर्स का होगा। बट ये जो चॉइस है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ फैक्ट्स के साथ। डिसीजन आपका ही होगा, आप जिसमें परफेक्ट हैं आप वो लें। बट कई बार इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे भी बैंक इंग्लिश में फंस जाते हैं। सो ये डिसाइड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि लास्ट ईयर IBPS RRB मेंस में हिंदी और इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्या गई थी। RRB PO 2016 के मेंस की बात करें तो यहाँ जनरल के लिए इंग्लिश की कट ऑफ थी 5.75, वहीं हिंदी की कट ऑफ थी 22.5 एंड OBC के लिए इंग्लिश की कट ऑफ थी 4.75 एंड हिंदी की थी 20 मार्क्स। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने हिंदी चूज़ किया वो इजीली 22.5 मार्क्स ले आए थे, वहीं इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चे 5.75 मार्क्स भी नहीं ला पाए। यू कैन सी हिंदी की कट ऑफ 5 टाइम्स है इंग्लिश से। चलो अब RRB असिस्टेंट 2016 की बात करते हैं तो यहाँ भी सिनेरियो सेम ही रहा है, जहाँ इंग्लिश में जनरल की कट ऑफ थी 6.75, वहीं हिंदी में जनरल की कट ऑफ रही है 22.50। इंग्लिश की कट ऑफ OBC के लिए थी 6.25, वहीं हिंदी की कट ऑफ OBC के लिए थी 22 मार्क्स। अब लास्ट ईयर 2017 के RRB PO की बात करते हैं तो इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चे 1.75 मार्क्स भी नहीं ला पाए, वहीं हिंदी में ईजिली 19.75 में ले आए थे। ये बहुत बड़ा गैप है। मैक्सिमम लोग बाकी सेक्शन में तो अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हैं बट इंग्लिश क्लियर भी नहीं कर पाते। अगर इंग्लिश की कट ऑफ 1.75 मार्क्स है तो मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स में कट ऑफ के आसपास ही होंगे, लाइक 4 to 8 मार्क्स, वहीं हिंदी में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स रहे होंगे 21 to 27 मार्क्स। ये देख के हम इजीली कह सकते हैं कि ये एक गेम चेंजिंग डिसीजन है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इंग्लिश में इजीली 20 to 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो ही इंग्लिश अटेम्प्ट चूज़ करें, अदरवाइज गो फॉर हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज आई थिंक हिंदी इज़ मोर स्कोरिंग देन इंग्लिश। अब कई बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश हिंदी की सेक्शन में स्कोप नॉर्मलाइजेशन होती होगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई वॉन्ट टू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओवरऑल कट ऑफ सेम होती है इंग्लिश और हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए। सो फाइनली आई वॉन्ट टू से डिसीजन इज़ योर्स, टेक टाइम एंड मेक अ राइट डिसीजन, बिकॉज अगर आप अभी से भी हिंदी प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन हिंदी सेक्शन। मैं भी हाउ टू प्रिपेयर हिंदी सेक्शन के ऊपर जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।